नमस्कार दोस्तों, हमारी ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। इनको जितना सुलझाने की कोशिश की जाती है, ये उतने ही गहरे होते चले जाते हैं। और कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश कई रिसर्चर्स ने की, लेकिन सभी नाकाम रहे। तो आज इस वीडियो में हम इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों की बात करेंगे जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच हैं। जिनमें शामिल है 6 इंच का कंकाल, इंसानों को मूर्ति बना देने वाली बीमारी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब होना, एक रहस्यमय किताब और मांस की बारिश जैसे कई रहस्य। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी जो किसी को भी कॉपी नहीं है। तो दबा दीजिए इस लाल बटन। नंबर 1 पर है इंसानों का ब्लड ग्रुप। साल 1900 से पहले तक यह माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल स्टीनर द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप की पहली बार खोज की गई। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत रिसर्च की गई और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ साफ पता नहीं चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। नंबर 2 पर है 6 इंच का इंसानी कंकाल। साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी, और इसे साल 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चली रिसर्च के बाद बताया गया कि यह किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6 से 8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं, लेकिन इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के ही सेट थे। और इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था, इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। नंबर 3 पर है एंसीफेलाइटिस लेथर्जिका नाम की एक रहस्यमय बीमारी। एंसीफेलाइटिस लेथर्जिका या स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी, और इस बीमारी की वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वह ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। यह बीमारी साल 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया में फैल गई, जिसमें अनुमान लगाया गया कि 10 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए, जिसमें से लगभग 5 लाख की मौत हो गई, और बचे हुए लोगों में भी ज़्यादा लोग पहले की तरह ठीक नहीं हो पाए। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चला। नंबर 4 पर है टैरू मोटरसाइकिल। साल 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग के लिए बुलाया गया, तो उसे एक दीवार के पीछे छिपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक साल 1917 से इस दीवार के पीछे थी, और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह थी और अच्छे से चल रही थी। ये इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है, जो इसे टैरू मोटरसाइकिल का नाम दिया गया। टैरू मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 5 पर है नजाका लाइंस। नजाका लाइंस पेरू के नजाका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियां हैं। नजाका लाइंस को साल 1920 के समय में खोजा गया था, और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हैं। नजाका लाइंस रेगिस्तान में 190 वर्ग मीटर तक फैली हैं। नजाका लाइंस की सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात इन आकृतियों का आकार है, जिनमें कुछ तो इतनी बड़ी हैं कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ पर 360 फुट का बंदर, 150 फीट की मकड़ी, 210 फीट का व्हेल, चिड़िया जैसे जीवों, फूल और पेड़ और कुछ ऐसी आकृतियाँ भी बनी हैं जो पृथ्वी की नहीं लगती। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम के बहुत कम बदलाव के कारण ये आकृतियाँ आज तक सुरक्षित रह पाई। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आज भी हैरान है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियाँ क्यों और कैसे बनाई गई होंगी। इसे क्यों बनाया गया था, इसके पीछे का कारण कुछ लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते थे, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया। नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का गायब होना। हैरोल्ड होल्ड ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन 1967 में विक्टोरिया के शेवॉर्ड बीच पर नहाते समय वे अचानक से गायब हो गए, और उनको ढूंढने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा अभियान भी चलाया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे लंबे समय तक चले खोज अभियानों में से एक था।
लेकिन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद भी जब वे नहीं मिले तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। उनकी मौत को लेकर बहुत से तर्क दिए गए कि किसी का कहना था कि ये कोई षड्यंत्र था तो किसी का मानना था कि ये कोई दुर्घटना थी, लेकिन असल में क्या हुआ था और उनकी लाश कहाँ चली गई ये आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 7 पर है डेविल्स कैटल। मिनेसोटा के जज सी आर मैग्ने स्टेट पार्क में डेविल्स कैटल नाम का एक गड्ढा है जो पत्थरों के बीच मौजूद है और नदी का आधा पानी इस गड्ढे में जाता है, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि इस गड्ढे में जाने वाला पानी कहाँ निकलता है इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। लोगों द्वारा इस गड्ढे में डाई, पिंग पोंग बॉल्स और GPS ट्रैकर जैसी बहुत सी चीज़ें फेंकी गईं, लेकिन ये चीज़ें कभी नहीं मिल पाईं और रिसर्चर्स के लिए ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8 पर है रहस्यमय सैटेलाइट। साल 1954 में अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के द्वारा आसमान में 2 सैटेलाइट देखे गए जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस समय इंसानों के पास सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उस समय सैटेलाइट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने इन सैटेलाइट्स की तस्वीर भी जारी की और कुछ इन्हें ब्लैक नाइट सैटेलाइट नाम दिया गया। कुछ लोगों ने इसे एलियन का UFO बताया तो कुछ का मानना था इसे एलियन द्वारा बनाया गया सैटेलाइट जो 13,000 साल से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये असल में क्या था इसका पता नहीं चला। नंबर 9 पर है रहस्यमय किताब। वॉइंच मैन्यूस्क्रिप्ट 240 पन्नों वाली हाथों से लिखी गई एक किताब है जिसे 15वीं सदी का माना जाता है। इस किताब को एक रहस्यमय पुस्तक माना जाता है क्योंकि इसे पूरी तरह से अज्ञात भाषा में लिखा गया है जिसे कोई भी नहीं पढ़ सकता। इस पुस्तक में अभी 240 पन्ने हैं, लेकिन माना गया है कि इसके बीच के बहुत से पन्ने गायब हैं। पुस्तक में अजीबोगरीब जीव, नग्न औरतें और बहुत सी अजीबो चित्र बने हुए हैं, और इन चित्रों और पुस्तकों में लिखे शब्दों को समझने के लिए क्रिप्टोग्राफर्स द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन पुस्तक किस बारे में है, इसमें क्या लिखा है, इसे क्यों और किसने लिखा, इन सब सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नंबर 10 पर है मांस की बारिश। 3 मार्च 1876 को अमेरिका के केंटकी में सुबह 11 से 12 बजे के बीच आसमान से अचानक मांस की बारिश होने लगी। यह लाल रंग के मांस थे जिनका आकार 2 इंच से 4 इंच तक का था। ये मांस की बारिश क्यों होने लगी थी इसके पीछे बहुत से तर्क दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जाने वाला तर्क ये था कि ये मांस गिद्ध के झुंड ने मांस खाने के बाद उड़ते समय यहाँ गिराए होंगे, लेकिन इस तरह का कोई भी पक्का सबूत नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि यह मांस गाय का, घोड़े का, भालू का या इंसान का या किसी भी जीव का नहीं था। ये कभी नहीं पता चल पाया कि ये किसका था। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।